हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अफसर। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे कोई भी मूवी को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। फ्री में तो डाउनलोड करना ही है, क्योंकि नेट से डाउनलोड करें तो फ्री में ही होगा। और दूसरी बात, बिना किसी झंझट के। अक्सर क्या होता है, हम जब भी मूवी डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, कोई भी साइट में जाओ तो वो मूवी डाउनलोड करने से पहले 50 तरह की फाइलें बोलेगी डाउनलोड करने। आप बोलेगा आपकी कंप्यूटर वायरस अफेक्टेड है, आपको अपने कंप्यूटर को हमारे इस सॉफ्टवेयर से स्कैन करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो कई तरह के हमें मूवी डाउनलोड करने से पहले हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को भर देता है, इतने सारे वो आपको डाउनलोड करा देता है। लेकिन दोस्तों, आपके पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको आज एक ट्रिक या ऐसा कोई साइट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसे आपको फॉलो करना है। तो फॉलो करने से पहले एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाए और सही सही दिखेगा दोस्तों। मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊँ, क्योंकि वो जो साइट मैं बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ लॉजिक है जो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि वो समझ में नहीं आती लोगों को। ठीक है, वो लॉजिक मैं चल के बताऊँगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल पेज में जाना है। यहाँ पे लिखना है, आपको सर्च बॉक्स में क्या लिखना है, सीडर, SEEDR। ध्यान देखिएगा, SEEDR, सीडर, SEEDR, एंटर करना। सबसे पहला जो आया सीडर गेट स्टफ इंस्टेंटली, आपको इसमें क्लिक करना है। देखिए, आप जैसे ही इसमें क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा। ये मुझे इंटरफेस इसलिए मिला हुआ है क्योंकि मैंने इसमें साइन अप कर लिया। आप जैसे इसे क्लिक कीजिएगा, आपको सबसे पहले साइन करने बोलेगा, तो आप साइन अप कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे साइन किया जाता है, आपको यहाँ पे चेकबॉक्स आएगा, बोलेगा कि आपको साइन करना है, जीमेल से साइन कीजिए या फेसबुक से साइन कर लीजिए, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। फेसबुक से मैंने आपने साइन कर लिया, तो अब आपको ये इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो साइनअप वाला प्रोसेस आसान है, सबको आता है कैसे साइनअप किया जाता है। साइनअप कर ही कीजिएगा, वरना ऐसा इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आपने साइन अप कर लिया, अब आपको ये इंटरफेस मिलता है। अब आप बोलते हैं, भैया इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है मूवी का तो कुछ नामो निशान नहीं है। हाँ, इसमें आपको मूवी नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों है, ये क्यों डाउनलोड करवाया हमसे। देखो दोस्तों, जब भी आप मान लीजिए टॉरेंट, जहाँ से अक्सर मूवी डाउनलोड करते हैं लोग और सजेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो डाउनलोड करने से पहले क्या होता है, आपको यू टॉरेंट वो जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ता है। और हर स्पेस, मतलब हर जितने अगर कोर i3 है या उसमें सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसमें यू टॉरेंट चलता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। यहाँ तक i5 के सेकंड जनरेशन में भी नहीं चलता है, बहुत दिक्कत देता है वो चलने से पहले। अगर यू टॉरेंट से आप नहीं, डायरेक्ट टॉरेंट से आप डाउनलोड करें, तो वैसे ही आपको बहुत सारा फाइल, बेकार बेकार के फाइल, दूसरे साइट। जब भी आप मूवी का लिंक डाउनलोड करने के लिए क्लिक कीजिएगा, 50 आपके साइट खुल जाएंगे, उसके बाद आपके कंप्यूटर भी हैंग करने लगता है। तो ये क्या है, सीडर क्या हमें प्रोवाइड करता है, सीडर एक मिडिल मैन की तरह हमें प्रोवाइड करता है कि भैया आप जाइए कोई भी साइट में, जरूरी नहीं है टॉरेंट, आप वो साइट से क्या कीजिए, उस मूवी लिंक को बस कट करके लाइए, बस मूवी के लिंक को कॉपी करके या कट करके लाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कर्सर मैं घुमा रहा हूँ वो पेस्ट करना है, और उसके बाद आपको ऐड का बटन दबाना है, आपके डाउनलोड फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं तो ये लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, फिर मैं एक जो लॉजिक की बात करता हूँ। हाँ, आप लॉजिक पे आते हैं, ये आप बोलेगा ये नॉन प्रीमियम क्या है, तो नॉन प्रीमियम देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका रिलेटेड स्टोरेज है। नॉन प्रीमियम में अब आपके आता है कि ये अनलॉक किया है इसमें, अरे पैसा भी देना है क्या, पैसा देना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर आप मूवी के उतने ज़्यादा शौकीन है कि आप रह नहीं सकते, आप सब मूवी देखना चाहते हैं, तब आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे मेरा देखा हुआ है 2.5 GB मुझे मिला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप साइन अप कीजिएगा, सबसे पहले आपको ये 2 GB का फ्री स्पेस देता है। 2 GB का फ्री स्पेस, अरे भैया स्पेस क्यों, हम तो मूवी डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो क्या हमारे लैपटॉप में या PC में डाउनलोड नहीं होगा। नहीं नहीं, आपके लैपटॉप या PC ही में डाउनलोड होगा। फिर क्यों स्पेस दे रहा है, ये स्पेस इसलिए दे रहा है क्योंकि आप जो भी साइट से मूवी के लिंक को डाउनलोड कॉपी कीजिएगा, वहाँ से आप इसको पेस्ट कीजिएगा, तो ये उतने ही साइज की मूवी को डाउनलोड कर सकता है। माने इसका ये है कि मेरे पास अगर मान लीजिए अभी 2 GB है, अगर 2 GB है तो मैं 2 GB तक या 2 GB के अंदर कोई मूवी को या शॉर्ट क्लिप्स या वीडियो को डाउनलोड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा को नहीं डाउनलोड कर सकता हूँ। अरे भैया, लेकिन अगर मेरा वीडियो या मेरा मूवी 3 GB का है, तो भैया उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर पैसा देना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए और एक ट्रिक है, ये इसमें अपॉर्चुनिटी देता है साइज बढ़ाने का। कैसे साइज़ बढ़ा सकते हैं, देखिए यहाँ अनफ्री स्पेस है, अनफ्री स्पेस में आप जाइएगा, ये आपको बोलेगा कि सीडर के ट्विटर में रिव्यू पोस्ट करें तो आपको 500 MB एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर 500 MB एक्स्ट्रा मिलेगी, ये 500 MB, ये आपको एक एक बार मिलेगा। और आपको हर बार अपने फ्रेंड को, जिस फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई तू सीडर खोलना है तो खोलना, लेकिन मेरे लिंक से, जो मेरे लिंक है उससे, उसमें जाके उसे क्लिक करके सीडर में अपना साइन अप करना, तब क्या होगा, आपको भी 500 MB एक्स्ट्रा मिलेगा और आपके दोस्त को भी 500 MB एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेन क्या होता है, जब आप साइन अप कीजिएगा बिना किसी के लिंक से, डायरेक्ट आप साइन अप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 GB मिलेगा, लेकिन आप किसी के लिंक से साइन करेंगे तो आपको 500 MB एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपके पास कुल हो जाएगा 2.5 GB। जैसे मैंने भी किसी के लिंक से साइन किया तो मेरे पास 2.5 GB है शुरू से। ठीक है दोस्तों, मैं अपना ये साइन अप लिंक नीचे भेज दूंगा, आप उसी से साइन कीजिएगा।
चलिए वो तो हो गया बात। अब इसमें देख लेते हैं इंटरफेस इसका क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये आप जैसे ही यूआरएल को कोई भी साइट से यहाँ पे लाइएगा, आपको यहाँ पे पेश करना और ऐड का बटन दबाना है। पहले लाइव डेमो दिखा लेते हैं कोई भी। देखिए वैसे तो मूवी डाउनलोड करने के कई साइट है, लेकिन मैं बहुत अच्छा साइट एक बताता हूँ। ये है आपका टॉरेंट। टॉरेंट काउंटर, मैंने इसमें क्लिक किया। टॉरेंट काउंटर में असल में होता क्या है, एक टॉरेंट काउंटर नहीं लिखाया, इसमें आपको लेटेस्ट मूवीज मिल जाती है। और मेन क्या बात होता है, क्योंकि टॉरेंट में आपको दो तरह की लिंक दी जाती है। अगर दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा तो टॉरेंट में दो तरह की लिंक होती है, एक होती है जो नॉर्मल डाउनलोड लिंक और एक होता है मैग्नेटिक लिंक। तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक लिंक को लेना है। तो मैग्नेटिक लिंक से जब सीडर उस लिंक से उस मूवी के सीट को कलेक्ट करेगा तो वो बहुत फास्टली उसे कलेक्ट करता है। चलिए हम मान लीजिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को करना चाहते हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया, ये दूसरा पेज खुल जा रहा है। इसे हमें नहीं चाहिए, हमें यहीं पे चाहिए। हाँ ये खुला। देखिए यहाँ पे दो तरह के लिंक दे रहा है। ये आपको लिंक दे रहा है 720 पिक्सल मैग्नेटिक डाउनलोड और 108 पिक्सल। मान लीजिए हमें 1080 पिक्सल का डाउनलोड करना है, आपको क्या करना है, डाउनलोड में नहीं करना है, आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करेंगे फिर आपको झंझट होगा। आपको लिंक एड्रेस आपने कॉपी किया और यहाँ पे आके क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इस ऐड के बटन को दबाना है। ये ऐड अब वहाँ से ये सीट कलेक्ट कर रहा है, ये बोलेगा मैग्नेटेड लिंक, ये क्या हुआ आपके यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है जी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट देखता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे लिंक को पेस्ट किया और इस ऐड के बटन में, प्लस के बटन में आपने क्लिक किया, तो ये क्या हुआ आपके विश लिस्ट में ऐड हो गया। आपके विश लिस्ट जो है वहाँ पे जाके आपके वो जो मूवी है वो ऐड हो गया। विश लिस्ट कहाँ है भाई, तो ये जो स्टार का बटन आपको दिख रहा है ये विश लिस्ट है आपके। यहाँ पे देखिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मेरा क्या हो गया, वहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको इसे डाउनलोड करना है, तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए अपने इसमें जाना है और इसमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको किस में करना था, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें एक बार क्लिक करना था, तो वो विश लिस्ट है आपका डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये डाउनलोड का साइन दिख रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। ये देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये मेरे थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जिप फाइल है, तो ये जिप फाइल क्योंकि मैग्नेटिक लिंक का ये जिप फाइल है, तो ये बहुत जल्दी भी डाउनलोड हो जाता है पहली बात। और इसकी क्वालिटी आप तो जानते हैं, जब आपने 1080 में लिया है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही कई मूवी डाउनलोड किया है, तो इसे डाउनलोड होने में लेट हो रहा है, तो मैं आपको वैसी मूवी कुछ दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे पास ये कुछ डाउनलोड की गई हुई मूवी है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए रोबोट 2.0 बॉस बेबी बॉस, ये बॉस बेबी है और ये जंगली है, केसरी है, टोटल धमाल है। केसरी का मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा प्रिंट है। तो प्रिंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने टॉरेंट से डाउनलोड किया है, मतलब आपने टॉरेंट ही का चीज़ डाउनलोड किया है, बस उसे कोई ऐसे चीज़ से डाउनलोड किया ताकि आपको दिक्कत ना हो, डायरेक्टली आपका मूवी डाउनलोड हो और कुछ डाउनलोड ना हो। यहाँ पर मैंने जब डाउनलोड किया आपने देखा डायरेक्ट लिंक से वो डाउनलोड हो रहा है और कुछ नहीं डाउनलोड हो रहा है। चलिए देख लीजिए, और इसे छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया, क्योंकि मैं अगर मूवी को चला देता हूँ तो मुझ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास कितने सारे मूवी थे, अब उसे छोड़ देते हैं। चलिए आपको मैंने यहाँ पे लाइव डेमो भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना था। सबसे पहले फिर से दोस्तों जिसने नहीं सुना वो एक बार फिर से सुन लें, आपको क्या करना था, सीडर में आपने गूगल के सर्च बॉक्स में सीडर लिखना था, उसमें जाके आपको सीडर का जो पहला आता है सीडर डाउनलोड इंस्टेंटली उसको इसमें क्लिक करना था। उसमें क्लिक करने के बाद आपको साइनअप करना था। अगर आप अपने से साइनअप करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मतलब आपको 2 GB का सेव स्पेस मिलेगा। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से साइनअप कीजिएगा तो आपको भी 500 MB, मुझे भी 500 MB, अपने फ्रेंड के किसी से भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे लिंक से साइनअप कीजिए, तो आपको भी 500 MB एक्स्ट्रा, मुझे भी 500 MB एक्स्ट्रा। तो अब आपके पास, आपने मान लीजिए लिंक से साइनअप किया तो आपके पास अभी 250 GB है, तो 250 GB का मतलब क्या हुआ, आप 250 GB की मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टॉरेंट काउंटर या कोई भी मूवी के साइट से चाहिए, आप अपने मूवी को खोजिए, उस मूवी को क्या करना है, डाउनलोड नहीं करना, बस उसके लिंक को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ऐड करना है, ऐड करने के बाद कहाँ चल जाएगा, विश लिस्ट में चल जाएगा। विश लिस्ट में एक बार आ गया तो आपने इस जो आइकन है इसको एक बार क्लिक करना है, तो आपका मूवी इस फाइल में आ जाएगा, फिर आपको डाउनलोड का बटन दबाना है, वो डाउनलोड हो गया। सिंपली व्हाट सिंपल, ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लग रहा है लेकिन आप करने लगिएगा ये बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल 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 समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके नेट के स्पीड में है कि आपका फाइल कैसे कितना जल्दी डाउनलोड हो रहा है। ये जिप फाइल में रहता है तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है दोस्तों। तो दोस्तों आज
अच्छी लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, समझने की बात आप समझ जाइएगा, ऐसा मत सोचिए क्योंकि मैंने बहुत पेचीदा चीज़ बताया, बहुत अच्छी चीज़ है। जो मूवी के शौकीन है उन्हें यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।